इस देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपियों ए राजा कनीमोझी शाहिद वर्मा जैसे लोगों को जमानत मिल चुकी है। 80,000 करोड़ रुपए के आरोपी पूर्व मंत्री सुरेश कलमारी जमानत पर बाहर है। चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव सजा पाने के बावजूद शान से राजनीति कर रहे हैं। आईपीएल में घोटाले के आरोपी ललित मोदी लंदन में शान की जिंदगी गुजार रहा है। आदर्श घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। मुस्लिम धर्मगुरु इमाम बुखारी के खिलाफ दर्जनों केस हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं कि उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर सके। रेप के मामले में आरोपी तहलका मैगजीन के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को भी जमानत मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समाज सुधार के लिए सैकड़ों काम करने वाले आसाराम बापू को बेल कब मिलेगी।